गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज बता रहा हूँ, आपको 6.1 एक्सरसाइज पर भी एक वीडियो डाली है, एक एक्सरसाइज 6.2 पर, आज 6.3 एक्सरसाइज पर। इसमें कुछ नहीं है, 6.3 एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कैसे कई सारी इनइक्वालिटीज को एक साथ कंबाइंड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पूछ भी रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स माइनस टू वाई लेस देन इक्वल टू 3, एक्स प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप्स नोट करिए, लगभग सभी प्रॉब्लम्स एक तरीके की हैं। फर्स्ट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, x माइनस टू वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये पॉइंट सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन में, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3। पुट करिए y की वैल्यू 0। जब आप यहां y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह से पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 0। फिर पुट करिए x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/2, और ये कोऑर्डिनेट बन गए 0, -3/2। प्लॉट करने का तरीका साइड में अपनी कॉपी में y एक्सिस एक्सिस 3, 0 पॉइंट। इट इज द पॉइंट 3, 0। दिस पॉइंट इज 0, -3/2। दिस इज द -0.3। ये पॉइंट हो गया। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाइए, ये लाइन बना दी।
ये 0.0 जरूर लिखिए, और जो लाइन बनाई है उसकी इक्वेशन भी लिखिए, एक्स टू वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसके बाद आगे इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है। अब क्योंकि ओरिजिन अलग हो गया, हमें यह चेक करना होगा ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। इसी में रखिए एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 रखिए। जब एक्स 0 रखेंगे, वाई 0 रखेंगे, तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में लेस देन, इस बार ये इक्वल टू साइन हटा देंगे, 0 इज लेस देन ट्रू, 0 इज लेस देन ट्रू, लेस देन 3, ये ट्रू हो गया। ट्रू होने का मतलब है ओरिजिन साइड, जब भी ट्रू आ जाए ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। अब इस लाइन से देखिए ओरिजिन इस साइड में है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस लाइन से इधर के पॉइंट चाहिए। ऐसे एरो बना दीजिए आप, और भी बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए, थोड़ा दूर दूर बना दीजिए, इस तरह से आप इस लाइन से इधर के पॉइंट लेंगे। अब इसके बाद लिखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थ्री एक्स फिर से इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी 4 आ गई, x की वैल्यू 4.0, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 3 आ गई, 3.4। इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करिए, जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे 4.0, देखिए ये पॉइंट 4.0 हो गया, 4.0, दिस पॉइंट इज 4.0, 0.4, ये 0.4, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर, और इसको आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। फिर चेक करिए कि ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड है, फिर चेक करिए ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड, रखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन 12,
फॉल्स। कहोगे नॉन ओरिजिन साइट, नॉन ओरिजिन साइट, नॉन ओरिजिन साइट। फॉल्स का मतलब है नॉन ओरिजिन साइट। देखिए इस लाइन से इस साइड में ओरिजिन है और नॉन ओरिजिन साइड ये हो गई इसके लिए, तो आप इस लाइन से इधर के पॉइंट्स लो, इस लाइन से मुझे इधर के पॉइंट्स चाहिए। ये मेरा सेकेंड पॉइंट था। अब इस प्रॉब्लम का थर्ड पॉइंट चलिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बिल्कुल उसी तरह से एक्स इज इक्वल टू जीरो, आप अच्छी तरह जानते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो ये वाई एक्सिस हो गई। अब इससे हमें इधर के पॉइंट चाहिए या इधर के पॉइंट चाहिए, आप इस साइड में आपने एक पॉइंट 30 ले रखा है, एक पॉइंट 40, आप किसी भी पॉइंट से रख के चेक कर सकते हैं। हमने 30 रखा तो x की वैल्यू 3, ग्रेटर देन क्या आ गया बताइए 0, ये स्टेटमेंट क्या हो गया 2। इसका मतलब ये पॉइंट आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको इस लाइन से इधर के पॉइंट चाहिए, इधर के, इस लाइन से इधर के पॉइंट चाहिए। ये एरो लगा दिया। अब आपका आता है फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बनाइए वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1। देखिए ये y इज इक्वल टू 1 कहीं ये पॉइंट हो गया, ये लाइन पैरेलल हो गई x एक्सिस के, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन बना ली। अब देखिए अब इस लाइन से हमें नीचे के पॉइंट चाहिए या ऊपर के, आप इस लाइन से ऊपर एक पॉइंट आपके पास 0-4 है, रखिए रखिए 0-4, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 0, x सही नहीं, ये चीज क्या आ गई 2, 4 इज ग्रेटर देन 1 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन से ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लाइन से ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, ये लाइन बढ़ा, इस लाइन की इक्वेशन भी लिख रखी, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, हर एक लाइन को मेंशन कर रखा है। अब हमें सोचना यह है इसके अंदर कि हमारा पास ऐसा कौन सा रीजन है जो हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन से इधर, इससे इधर। अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखो, इस रीजन जिसको मैंने सेडेट किया है, देखिए आपकी सभी कंडीशंस को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस लाइन से ऊपर भी है, इस लाइन से इधर है, इससे इधर है और इस वाली लाइन से भी इधर है, ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपके। फिर पेंसिल से इन एरो को मिटा दीजिए, पेंसिल से इन एरो को मिटा देना जिससे कंफ्यूजन ना हो।
अब देखिए, इतना करने के बाद ये ऊपर की तरफ कहीं भी कहीं तक हो सकता है, ये वाई एक्सिस, ये इस तरह से कहीं भी हो सकता है, कितनी दूर तक बढ़ा। देखो इस लाइन पर इक्वल टू साइन है, ये लाइन आपकी ये है इक्वल टू साइन, तो इसलिए इसके इस पोर्शन को आप डार्क कर दीजिए जिस पर भी इक्वल टू साइन है, और आपके रीजन में जितना भी पोर्शन आ रहा है उसको डार्क कर दीजिए। ये डार्क आपकी बुक में इस पूरे को डार्क कर रखा, पूरे को डार्क करने की जरूरत नहीं है। वाई इज इक्वल टू वन, इस रीजन को जो इनके बीच में आपके आ रहा है इसको डार्क कर दीजिए। इसको डार्क कर दिया। देखिए इस पर भी वन है, इक्वल टू साइन है, इसे भी डार्क कर दीजिए। वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन है, इसको भी डार्क कर दिया। बोलिए फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो, आप इस पोर्शन बेहतर है कि ये वाला पोर्शन डार्क हो आपका, हम इसे डार्क नहीं करने के, क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपके इस रीजन में नहीं आ रहा इसलिए इसको डार्क नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन इस रीजन में आ रहा है इसलिए इसको डार्क कर दिया। अब आप बताइए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया? इसके लिए जरूरी है कि आपका 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज और 6.3 के सभी सॉल्व एग्जाम्पल और 1 से लेकर के 2, 3 एक एक प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करिए। आपकी बुक में आंसर दे रखा है, फिर क्वेश्चन पूछिए क्लास में। थैंक यू।